आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ओपनिंग सेरेमनी क्या खतरनाक होगा? क्या ये आईपीएल से बेहतर होगा? और बेहतर होगा तो कितना बेहतर होगा? ये चर्चाएं चल रही थी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे, लेकिन एक बेहद ही शॉकिंग खबर आ रही है कि आईसीसी 2023 का जो ये ओपनिंग सेरेमनी है ये कैंसिल हो चुका है। ये शॉक लगा, लेकिन ये सच है ये कि आईसीसी 2023 का जो ये वर्ल्ड कप है इसका ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो चुका है। इससे पहले बहुत सारे नाम आ रहे थे कि इसमें परफॉर्म करने के लिए रणवीर सिंह आएंगे, श्रिया घोषाल आएंगी या अरिजीत सिंह आएंगे, लेकिन ये महज अफवाह ही लग रहा है बन के रह गई है। लेकिन जब से ये खबर सामने निकल के आई है कि ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो गया है, काफी लोगों का दिल टूट गया है कि काफी लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि किस हिसाब से होगा ये ओपनिंग सेरेमनी, भारत का कितना परचम लहराएगा, क्या सारे ही देशों से अच्छा करेगा इंडिया इस ओपनिंग सेरेमनी को। लेकिन ये सब सारी चीजें धरी की धरी रहेगी क्योंकि ये ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो गया है। एक खबर तो ये भी आ रही है कि जो बुधवार को जो ओपनिंग सेरेमनी होने वाला था, इसमें जो ये 10 टीमें हैं, इन 10 टीमों के कैप्टन आएंगे और उन्हीं लोगों से बातचीत वगैरह होगी। और दूसरी खबर ये आ रही है कि जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाएगा, हो सकता है उसी वक्त इस ओपनिंग सेरेमनी को किया जाए, यानी 5 तारीख को। लेकिन 4 तारीख पे अभी भी सवाल अटका हुआ है कि ये ओपनिंग सेरेमनी होगी या नहीं, इस पे अभी भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्लियर नहीं है। जबकि अमूमन सब कुछ क्लियर हो जाता है कि हाँ इस तारीख को ये चीज होगा, लेकिन आज 4 तारीख है और अभी तक ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये ओपनिंग सेरेमनी होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितना भव्य होगा, और नहीं होगी तो काफी लोगों का तो दिल टूटेगा ही। तब तक के लिए वेट करते हैं और देखते हैं ये ओपनिंग सेरेमनी होती है या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।